महाराष्ट्र के बदलापुर में रेलवे स्टेशन पर फायरिंग की खबर है। यह बड़ी खबर है। दो गुटों के बीच में रेलवे स्टेशन पर फायरिंग हो गई है। गोलीबारी में एक शख्स घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है। फायरिंग के बाद रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। आरोपी फायरिंग के बाद ट्रैक पर भागता नजर आया। आरोपी का नाम विकास पगारे बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दो राउंड गोलियां चली हैं। फायरिंग की आवाज़ सुनकर वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया, लेकिन सुरक्षा बलों और यात्रियों की मुस्तैदी से आरोपी को फिलहाल पकड़ लिया गया। तस्वीर आपके सामने है। दो राउंड फायरिंग करने के बाद आरोपी भाग रहा था, लेकिन पुलिस की मौजूदगी वहाँ पर थी। मुस्तैदी के चलते ये दबोच लिया गया। तो दो गुटों के बीच में ये गोलीबारी हुई है। अफरा तफरी का माहौल था। महाराष्ट्र की तस्वीरें। महाराष्ट्र के बदलापुर में रेलवे स्टेशन पर फायरिंग की खबर है। यह बड़ी खबर है। दो गुटों के बीच में रेलवे स्टेशन पर फायरिंग हो गई है। गोलीबारी में एक शख्स घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है। फायरिंग के बाद रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। आरोपी फायरिंग के बाद ट्रैक पर भागता नजर आया। आरोपी का नाम विकास पगारे बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दो राउंड गोलियां चली हैं। फायरिंग की आवाज़ सुनकर वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया, लेकिन सुरक्षा बलों और यात्रियों की मुस्तैदी से आरोपी को फिलहाल पकड़ लिया गया। तस्वीर आपके सामने है। दो राउंड फायरिंग करने के बाद आरोपी भाग रहा था, लेकिन पुलिस की मौजूदगी वहां पर थी। मुस्तैदी के चलते ये दबोच लिया गया। तो दो गुटों के बीच में ये गोलीबारी हुई है। अफरा तफरी का माहौल था। महाराष्ट्र की तस्वीरें।